नमस्कार, मैं राजकिशोर बिष्ट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का प्रथम भाग सीखेंगे। आइए देखते हैं इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। सर्वप्रथम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर परिभाषित करना सीखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज सीखेंगे, सेमी ग्रुप, मोनोइड तथा ग्रुप को परिभाषित करना सीखेंगे। अंत में परम्यूटेशन तथा साइक्लिक ग्रुप के बारे में सीखेंगे। एक सेट x 1 से लेके 10 तक के इंटीजर्स का लेते हैं। यदि हम सेट x की कोई भी दो संख्याएं जोड़ते हैं तो यह सेट x का एक एलिमेंट हो सकता है। उदाहरण के लिए 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, या सेट x का एक एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। यदि किसी सेट x के दो एलिमेंट्स के बीच एक ऐसा ऑपरेशन परिभाषित करना संभव हो जो उसी सेट का एक नया एलिमेंट देता हो, तो यह उस सेट पर एक स्ट्रक्चर बनाता है और इसका एक महत्वपूर्ण अर्थ है। बाइनरी ऑपरेशन, माना कि x एक नॉन एम्प्टी सेट है। कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक नियम होता है जो कि किसी दो एलिमेंट्स में लगाने पर एक एलिमेंट को देता है। आमतौर पर हम इसे एक्स स्टार वाई द्वारा निरूपित करते हैं। यहां हम बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज पर चर्चा करेंगे। क्लोजर लॉ, माना कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है। सेट एक्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड कहलाता है। यदि एक्स तथा वाई एक्स के एलिमेंट हों तो एक्स स्टार वाई भी एक्स का एलिमेंट होना चाहिए। उदाहरण के लिए इंटीजर्स का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड होता है। एसोसिएटिव लॉ, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट एक्स में एसोसिएटिव कहलाता है। यदि सभी स्मॉल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स के लिए एक्स स्टार वाई स्टार जेड इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड। यहां पर दो अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड में हमने वाई और जेड को पहले सॉल्व किया और राइट हैंड साइड में एक्स और वाई को पहले सॉल्व किया। उदाहरण के लिए इंटीजर्स का सेट एडिशन के लिए एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यदि सेट एक्स में कोई ऐसा एलिमेंट ई हो जिसके लिए सेट एक्स के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल एक्स के लिए एक्स स्टार ई इक्वल टू ई स्टार एक्स इक्वल टू एक्स हो तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। इंटीजर्स के सेट में जीरो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है तथा पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट में 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यदि सेट एक्स के प्रत्येक एलिमेंट स्मॉल एक्स के लिए कोई ऐसा एलिमेंट वाई हो जिसके लिए एक्स स्टार वाई इक्वल टू ई इक्वल टू वाई स्टार एक्स हो तो वाई एक्स के लिए इनवर्स एलिमेंट कहलाता है। इंटीजर्स के सेट में एडिशन के लिए एक्स का इनवर्स माइनस एक्स होता है क्योंकि एक्स प्लस माइनस एक्स इक्वल टू जीरो तथा पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स का इनवर्स 1/x होता है क्योंकि एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 1। कम्यूटेटिव लॉ, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट एक्स में कम्यूटेटिव कहलाता है। यदि एक्स के सभी एलिमेंट्स स्मॉल एक्स वाई के लिए एक्स स्टार वाई इक्वल टू वाई स्टार एक्स होता है। उदाहरण के लिए इंटीजर्स का सेट एडिशन तथा मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। सेमी ग्रुप, कोई सेट एक्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ सेमी ग्रुप कहलाता है यदि यह स्टार के लिए क्लोज तथा एसोसिएटिव हो। मोनोइड, कोई सेट एक्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ मोनोइड कहलाता है यदि यह स्टार के लिए क्लोज्ड एसोसिएटिव हो तथा इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। ग्रुप, कोई सेट एक्स बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ ग्रुप कहलाता है यदि यह स्टार के लिए क्लोज्ड एसोसिएटिव हो, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो तथा हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो। एबिलियन ग्रुप, कोई ग्रुप एबिलियन कहलाता है यदि वह कम्यूटेटिव भी हो। एक उदाहरण से
किसी सेट को बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप दिखाना समझते हैं। हमें दिखाना है कि इंटीजर्स का सेट जेट एडिशन के लिए एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि दो इंटीजर्स का योग भी एक इंटीजर होता है, इसलिए सेट जेड एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा, अर्थात सभी ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड। एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि इंटीजर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है, इसलिए जेड एसोसिएटिव लॉ को संतुष्ट करता है, अर्थात सभी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इंटीजर्स के सेट में जीरो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि सभी ए बिलोंग्स टू जेड के लिए ए प्लस जीरो इक्वल टू ए। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इंटीजर्स के सेट में एडिशन के लिए ए बिलोंग्स टू जेड का इनवर्स माइनस ए बिलोंग्स टू जेड होता है, क्योंकि ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो। सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, अतः सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। क्योंकि इंटीजर्स का सेट जेड एबिलियन ग्रुप के सभी प्रॉपर्टीज को संतुष्ट कर रहा है, इस प्रकार यह एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। ध्यान दें कि इंटीजर्स का सेट जेड मल्टीप्लीकेशन के लिए एक ग्रुप नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स एक्स के लिए इनवर्स 1 बाई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यह एक मोनोइड है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां हमें दिखाना है कि सेट जी इक्वल टू 1 माइनस 1 आई तथा माइनस 1 एक ग्रुप है। किसी सेट में एलिमेंट्स फाइनाइट हो तो हम कंपोजिशन टेबल भी बना सकते हैं। यहां पर हमने दिए हुए सेट के लिए मल्टीप्लीकेशन की कंपोजिशन टेबल बनाई है। क्लोजर प्रॉपर्टी, चूंकि कंपोजिशन टेबल में सभी प्रविष्टियां सेट जी से संबंधित हैं, इसलिए सेट जी मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि जी के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है, इस प्रकार जी मल्टीप्लीकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, टेबल से यह देखा जा सकता है कि 1 जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि सर्किल में दिखाए गए एलिमेंट्स जो कि 1 को सबसे ऊपर की पंक्ति के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होते हैं, ऊपर की पंक्ति के ही समान है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कंपोजिशन टेबल में आइडेंटिटी एलिमेंट को सर्किल से दिखाने पर उनके करस्पॉन्डिंग रो तथा कॉलम के एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स कम्यूटेटिव हैं, इसलिए ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तथा जी एक एबिलियन ग्रुप है। सब ग्रुप, ग्रुप जी का एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच सब ग्रुप कहलाता है, यदि एच स्वयं में जी में दिए गए कंपोजिशन के लिए ग्रुप हो। यदि जी एक ग्रुप है तो सबसेट ई और जी जी के ट्रिवियल सबग्रुप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम इंटीजर्स के एडिटिव ग्रुप को लें तो इवन इंटीजर्स का सेट इसका एक सबग्रुप होगा। परम्यूटेशन एंड सिमेट्रिक ग्रुप, माना कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है। परम्यूटेशन किसी सेट एक्स में एक्स से एक वन वन ऑन टू मैपिंग होती है। उदाहरण के लिए यदि x इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी तो मैपिंग f जिसके लिए एफ ए इक्वल टू ए एफ बी इक्वल टू सी और एफ सी इक्वल टू बी हो तब f x पर एक परम्यूटेशन है। सेट x के लिए किसी परम्यूटेशन f जिसके लिए एफ ए इक्वल टू ए एफ बी इक्वल टू सी और एफ सी इक्वल टू बी हो को दिखाए गए तरीके से भी लिखा जा सकता है। पहली पंक्ति में x के सभी एलिमेंट्स होते हैं और दूसरी पंक्ति में उनके संबंधित इमेजेस होती हैं। कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस, यदि f इक्वल टू ए ए बी सी सी बी तथा
जी इक्वल टू ए बी बी सी सी ए हो तो हमें पता है कि एफ कंपोजिशन जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स होता है। अतः एफ कंपोजिशन जी एक्स निकालने के लिए हम पहले जी में एक्स की मैपिंग देखेंगे तथा जी एक्स में जो एलिमेंट आएगा उसकी मैपिंग एफ में देखेंगे। अतः एफ कंपोजिशन जी इक्वल टू ए सी बी बी सी ए होगा। माना कि एक्स कोई एन एलिमेंट्स का नॉन एम्प्टी सेट है तो उसमें फैक्टोरियल एन परम्यूटेशंस होंगे। सेट एक्स के सभी एन परम्यूटेशंस के सेट को हम एस एन से परिभाषित करते हैं। परम्यूटेशंस के कंपोजिशन तथा इनवर्स एस एन के ही एलिमेंट होंगे तथा आइडेंटिटी परम्यूटेशन भी एस एन का एलिमेंट होगा। एस एन फंक्शंस के कंपोजिशन के लिए एक ग्रुप बनाता है जिसे एन डिग्री का सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। कोई ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कहलाता है यदि उसमें एक ऐसा एलिमेंट ए एग्जिस्ट करता हो कि ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को ए रेज पावर एन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। एडिटिव ग्रुप में इसे हम एन ए से लिखते हैं। एलिमेंट ए ग्रुप जी का जनरेटर कहलाता है। उदाहरण के लिए जी इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन कॉमा आई कॉमा माइनस आई एक साइक्लिक ग्रुप है, आई जिसका जनरेटर है। ग्रुप के सभी एलिमेंट्स दिखाए गए तरीके से आई के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, यदि जी कोई ग्रुप हो तथा ए इसका कोई एलिमेंट हो तो एन ए का ऑर्डर कहलाता है। यदि एन सबसे छोटा इंटीजर हो जिसके लिए ए रेज पावर एन इक्वल टू ई, ए का ऑर्डर इनफाइनाइट कहलाता है यदि ऐसा कोई एन हमें प्राप्त ना हो सके। एडिशन के लिए यह एन ए इक्वल टू जीरो होगा जहां जीरो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। उदाहरण के लिए जी इक्वल टू वन कॉमा माइनस वन आई कॉमा माइनस आई एक साइक्लिक ग्रुप है तथा आई जिसका एक जनरेटर है। ग्रुप के सभी एलिमेंट्स दिखाए गए तरीके से आई के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इस लेक्चर में हमने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बाइनरी ऑपरेशन, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप तथा साइक्लिक ग्रुप के बारे में सीखा। अगले लेक्चर में हम नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में तथा रिंग के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।